to meet me next week. And Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. A lot of these leaders are fantastic. You have to understand one thing. और इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को बधाई दी। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, ये पीएम ने लिखा है। ऐतिहासिक चुनावी जीत पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं असलियत में अमेरिका के डाउनफॉल की एक लोवेस्ट लेवल की लड़ाई देख रहा, जहां अमेरिका का जो इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन लड़ने का जो काला चेहरा है, वो अमेरिका के चमकते दमकते, जिसे कहते हैं रुतबे के सामने। सुबह सुबह जब देखा कि मोदी जी और योगी जी जब इलेक्शन कंपेनिंग कर रहे थे, तो उनकी ही तस्वीर में किसी ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की तस्वीर को एडिट कर दिया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया, हु एडिटेड। भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग है। और मैं फ्यूचर के लिए आपको आज बात बताना चाहूंगा, अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में, तो भारत से इजाजत लोगों को कभी दिखाई नहीं देता था, और पहली बार जो अंदर इलेक्शन में धांधली दिखाई देती है वो दिखाई दे रही है। पेपर से वोट पड़ रहे हैं, कोई भी आके वोट डालना चाहता है वो डाल सकता है। पेपर जो बैलेट पे बैलेट बॉक्स है उसके 5.2 मिलियन इंडियंस जो हैं वो इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 5.2 मिलियन इंडियन। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा, और अब फिलहाल न्यूज़ पर बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा यही चर्चा चल रही है कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन है और वहाँ का नतीजे भी जो है आ चुके हैं, और नतीजे बहुत ही खास रहे हैं। जो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं के लिए भी बहुत कुछ बयान दिया था अभी बांग्लादेश के ऊपर, और मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझाया था, और उसी तरीके से जैसे 57, आप सभी को पता ही होगा, 57 लाख हिंदू जो है अमेरिका में रहते हैं, और हिंदू जिधर भी गिर जाता है अमेरिका में उसकी सरकार बन जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं बहुत ही हिसाब से, बहुत ही दिमाग से मोदी जी को साथ में लेकर के, उनका आशीर्वाद लेकर के इस इलेक्शन में पाँव धरा, और बहुत ही बड़ी स्तर पर एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। जीतते ही डोनाल्ड ट्रंप बोले, मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने इस बात का नारा जो अक्सर भारतीय लगाते हैं वो लगाया है, जो कि आपने क्लिप में भी देखा होगा, और आगे ये फुल वीडियो आप देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आग लगी हुई नजर आती है, और जिस लेवल पर अपोजिशन कैंडिडेट को मारने के लिए उसको उसके ऊपर दो बार हमले हुए, वो सारे का सारा अमेरिका के चुनावों की, अमेरिका के इलेक्शंस के काले चेहरे को दिखा रहा है। जो अमेरिका दुनिया के अंदर इलेक्शंस के नाम पे सर्टिफिकेट बांटता फिरता है कि वहां धांधली हुई है और वहां नहीं हुई है। भाई माना गया बांग्लादेश में धांधली हुई है, लेकिन ये भी माना गया कि पाकिस्तान में तो कुछ हुआ ही नहीं है, छोटी मोटी वारदात के अलावा, छोटी मोटी घटनाओं के अलावा कुछ हुआ ही नहीं। इंडियन इलेक्शंस को फ्रॉड करार दे दिया जाता अगर मोदी जी 400 पार पहुंच जाते। ये तो शुक्र है ऊपर वाले का कि 400 पार ना पहुंच के कांग्रेस को भी 99 सीट्स आई, मिला भी तो बोल ना पाए लेकिन खुश भी ना हो पाए। अपोजिशन भी ठीक ठाक आया लेकिन कुछ कर नहीं पाया। बीजेपी कमजोर हुई लेकिन इतनी कमजोर नहीं हुई कि बहुत ज्यादा, वरना अगर 400 पार या 300 पार या 350 के करीब बीजेपी की सीट्स होती, आरजू जी मैं गारंटी से कह सकता हूं मोदी जी की इस सरकार को अमेरिका अब तक डिनाउंस कर चुका होता और साफ कह चुका होता कि ये सरकार गलत है, मैं इसे सपोर्ट नहीं करता, चुनावों में धांधली हुई है, ईवीएम मशीन्स जो है वो फ्रॉड है। लेकिन अमेरिका दुनिया का बॉस बना फिरता है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, सारी टेक्नोलॉजी उसके अकॉर्डिंग चलती है, दुनिया का पूरा सिस्टम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके बनाए हुए सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। इस वजह से अमेरिका के इलेक्शंस की धांधली के अंदर या अमेरिका के फ्रॉड्स, अमेरिका के इलेक्शन फ्रॉड्स के अंदर कोई भी ध्यान नहीं देता, और अगर देता भी है तो बोल नहीं पाता है, बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। अमेरिका के इलेक्शन सोच कर देखिए, बैलेट बॉक्स, पेपर बैलेट, पेपर के ऊपर वोटिंग हो रही है, पेपर बैलेट है, और बैलेट बॉक्स के अंदर थोड़े मतलब आग तक लग रही है। अच्छा, उसके बाद रिकॉर्ड्स के अंदर कौन वोट डाल रहा है कौन वोट नहीं डाल रहा, इसके ऊपर बहस होने की जगह साफ तौर पर यह कहा गया कि मेरी आईडी ना दिखाना मेरा राइट है,
मुझे ये समझ में नहीं आया अभी तक कि यार कोई आदमी मेरे कंट्री के अंदर वोट डाल रहा है और मुझे पता ही नहीं है कि वो आदमी कौन है। मैं ये नहीं जानना चाहता कि वो वोट उसने किसको डाला, वो उसका राइट है कि वो वोट किसको डाल रहा है किसको नहीं डाल रहा, लेकिन ये तो मेरी कंट्री का राइट है ना कि कौन वोट डाल रहा है और कौन नहीं डाल रहा। जो वोट डाल रहा है क्या वो मेरी कंट्री का ही सिटीजन है या नहीं है, मुझे ये देखना है। अमेरिका के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं कई स्टेट्स में। अच्छा 50 स्टेट्स है, 50 अब तो मेरे ख्याल से 51 हो गए थे, होने वाले हैं 50 के 50 स्टेट्स के अंदर रूल्स अलग अलग हैं, काउंटिंग के सिस्टम्स अलग अलग है, वोटिंग पैटर्न अलग अलग है। अब उन अलग अलग के अंदर भी काउंटी स्टेट्स जो मतलब बहुत से ऐसे जो क्या कहते हैं बाउंड्री स्टेट्स होते हैं, स्विंग स्टेट्स होते हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ डोमिनेटिंग स्टेट्स हैं जो डेमोक्रेट्स को ही सपोर्ट करते हैं और कुछ डोमिनेटिंग स्टेट्स हैं जो रिपब्लिकन्स को ही सपोर्ट करते हैं। अब स्विंग स्टेट्स की अगर बात कर ली जाए तो असली खेल तो स्विंग स्टेट्स कर रही हैं। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए कि एक स्टेट ऐसा है जो स्विंग स्टेट है। अब मुझे यह समझ में नहीं आया स्विंग स्टेट है ही कैसा। और सबसे बड़ी बात, चलो ठीक है इसे भी छोड़ दिया जाए, अब आ जाते हैं इस कैंपेन के अंदर यह बताया जा रहा है कि कभी ट्रंप आगे हो गया कभी कमला हैरिस आगे हो गई। मुझे यह चीज अब तक समझ में नहीं आई कि कौन सी चीजें ट्रंप के अगेंस्ट जा रही हैं और कौन सी चीजें कमला हैरिस के फेवर में जा रही है। कमला हैरिस या बाइडन ने कौन सा ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर दिया। अगर कमला हैरिस जैसी एक इनकम्पिटेंट लेडी को और उससे पहले बाइडन जैसे एक बीमार इनकम्पिटेंट पर्सनैलिटी को 4 साल तक अमेरिका अपने राष्ट्रपति की फॉर्म में झेल सकता है तो माफ कीजिएगा उस देश के लोगों के ऊपर मुझे शक होता है कि वेदर रियली दे आर स्मार्ट पीपल और नॉट। भाई सीधी सी बात है, मुझे इतना सा बता दीजिए ना कि वो आदमी या वो ग्रुप स्मार्ट कैसे हो सकता है जो अपने एक राष्ट्रपति को ये नहीं समझ पा रहा कि वो इतना बूढ़ा हो चुका है कि उसे डायरेक्शंस नहीं पता, वो अंधा भी है या देख भी पा रहा है यही नहीं पता चल रहा। कई बार तो यहां तक है कि शायद किसी बंदे को बाइडन बीमार था और वो आ नहीं पाया तो उस मीटिंग के अंदर किसी बंदे को मास्क पहना के भेज दिया गया। वो किससे हाथ मिला रहा है, किसको हाथ देखा देख के हाथ हिला रहा है उसे पता ही नहीं लग रहा। G7 जैसी एक इंटरनेशनल मीटिंग के अंदर वो कहां देख रहा है और कहां जा रहा है पता ही नहीं है। जॉर्जिया मेलोनी ने उसकी बेइज्जती होते हुए कैसे बचाया वो दुनिया ने देखा, लेकिन वही है ना क्योंकि वो ताकतवर है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, यही वाली बात है कि ताकतवर के ऊपर उंगली उठाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि कहीं वो उंगली टूट ना जाए। अब आ जाते हैं कमला हैरिस के ऊपर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कमला हैरिस की ऐसी हम कौन सी वाली क्वालिटी को देखें। हिलेरी क्लिंटन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट थी, बराक ओबामा वाज आल्सो एन एक्सपर्ट, ट्रंप जो है कुछ भी एक बड़ा बिजनेसमैन है, व्हाट इज कमला हैरिस। ये लोग कमाला कमाला बोलते हैं, बट शी इज नॉट कमाला, शी इज कमला। भाई इंडियन नेम है तो इंडियन ज्यादा बेटर तरीके से बता सकते हैं ना, कमला हैरिस। हमारे यहां कमला होती है, कमाला नहीं होती है। अगर वो नाम इंडियन है तो कमला हैरिस, चलो ठीक है कमला हैरिस। अब बाइडन को झेल लिया तो भाई कमला हैरिस की अपनी क्या अचीवमेंट है। चलो धरती के प्रति, भारत के प्रति, भारत के नेशनल झंडे के प्रति, भगवे झंडे के प्रति इतना प्रेम उनको होता है, इतना प्रेम होता है कि 70% खालसा जो होते हैं, 70% जो सिखड़े होते हैं, 70% जो पंजाबी होते हैं वो हमारे देश की सेना में जाते हैं और बॉर्डर पर होते हैं। बिल्कुल हमने देखा है, बॉर्डर पर होते हैं, वो छातियां चौड़ी कर करके ना गोलियां खाते हैं, गोलियां खाते हैं। और याद किया जाए जब हमने 4 जंगें पाकिस्तान से जीती थी और लड़ी थी तो उसमें कई पंजाबी थे जिन्होंने छाती पे गोलियां खाई हैं, लेकिन भारत को बचाया है, भारत के जनता को बचाया है, भारत में रहने वाले हर एक जान को बचाया है। भारत के टुकड़े खालसा करेंगे, भारत के टुकड़े सिखड़े करेंगे, भारत के टुकड़े दस्तार पहनने वाले करेंगे, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब आते हैं कि थोड़ा सा जस्टिन ट्रूडो के बारे में जानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो कौन था, कौन हुआ और कैसे वो इतना बड़ा लिब्रांडो हो गया। जस्टिन पीरे जेम्स ट्रूडो इनका पूरा नाम है, जस्टिन पीरे जेम्स ट्रूडो। 25 दिसंबर 1971 में इनका जन्म हुआ था, मतलब मेरी अम्मा से 5 साल का छोटा है।
मेरी अम्मा को, और कैनेडियन पॉलिटिशियन बना और 2013 से लिबरल पार्टी में था और 2015 से ये प्राइम मिनिस्टर बना। अब लिबरल पार्टी ज्वाइन करने का मतलब ये तो नहीं होता है ना कि आप इतने बड़े लिब्रांडो बन जाओ कि आप ऐसे लोगों को समर्थन करो जिनका अस्तित्व कभी दुनिया में है ही नहीं, कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं है। अब आती है कि ये दो कौड़ी के चरसी खालिस्तानी जो अपने आप को ये कहते हैं कि ये भारत में खालिस्तान बनाएंगे, तो फॉर गॉड सेक कोई मुझे ये तो बताए कि कैनेडियन पासपोर्ट ले करके, कैनेडियन रेसिडेंट ले करके और अमेरिकन पासपोर्ट ले करके और अमेरिकन रेसिडेंट ले करके कोई भारत में खालिस्तान कैसे बना सकता है, कैसे? अभी मैं यहाँ पर बैठे बैठे कहूँ कि मैं यहाँ से बैठे बैठे